डिपॉजिट यानी FDM में से ज्यादातर भारतीयों का पसंदीदा निवेश है और खास तौर पर मध्यम वर्ग में काफी प्रचलित है। अक्सर लोग बोनस, बचत या अन्य अतिरिक्त रकम को लोग फिक्स्ड कर देते हैं। यह अपनी रकम को सुरक्षित रखते हुए ब्याज कमाने का बेहतर तरीका है। सीमित और तय आय वाले हम में से ज्यादातर लोगों का निवेश FD से शुरू होकर FD पर ही खत्म होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि FD के फायदे और प्रक्रिया समझना आसान है। ज्यादातर लोग निवेश करते वक्त चुकाए जाने वाले टैक्स और निवेश से मिलने वाले वास्तविक रिटर्न पर विचार नहीं करते और सिर्फ सुरक्षा और तय रिटर्न पर भरोसा करते हैं। इसलिए ज्यादातर निवेशक अन्य निवेश विकल्पों के बारे में सोचते ही नहीं है, जबकि बेहतर रिटर्न देने वाले अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक विकल्प डेट म्यूचुअल फंड है, जिसमें निवेश करके फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न पाया जा सकता है। FD पर वास्तविक रिटर्न को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 30% टैक्स के देय में आते हैं और FD पर आपको 7% की दर से रिटर्न मिल रहा है, जबकि असलियत यह है कि आपके हाथ में 7% रिटर्न नहीं आ रहा है। इस पर आपको 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो इस 7% का 2.1% होता है, यानी आपके हाथ में सिर्फ 4.9% रिटर्न ही आएगा। अगर इसे महंगाई के लिहाज से देखें तो आपके निवेश पर रिटर्न कुछ भी नहीं बनता। जैसे अगर महंगाई दर 5% है और टैक्स के बाद आपको निवेश पर 4.9% रिटर्न मिल रहा है, तो असल में आपको निवेश पर रिटर्न शून्य मिला है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्रय क्षमता भी कम होती जाती है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता, ये क्रेडिट रिस्क यानी जोखिम का सामना करते हैं और इस प्रकार आपका पैसा जोखिम में पड़ सकता है। डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? डेट फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और अन्य मनी मार्केट जैसे फिक्स्ड ब्याज वाले सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जो पूंजी को बढ़ाते हैं। डेट फंड को आई फंड या बॉन्ड फंड भी कहा जाता है। डेट फंड में निवेश से लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न 6% से 7% तक, अपेक्षाकृत उच्च तरलता यानी डेट म्यूचुअल फंड को एक दिन के भीतर भी रिडीम किया जा सकता है और आमतौर पर इस पर FD की तरह कोई शुल्क भी नहीं लगता, उचित सुरक्षा और बेहतर कर दक्षता जैसे फायदे हैं। डेट फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो नियमित आय का लक्ष्य रखते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसमें भी जोखिम कम और स्थिरता अधिक होती है। डेट फंड अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि आपके पैसों की सुरक्षा के लिहाज से यह इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेहतर है। डेट म्यूचुअल फंड टैक्स के मामले में FD से बेहतर है, क्योंकि FD पर टैक्स आपके इनकम टैक्स की दर से लगता है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स सिर्फ इनकी बिक्री के वक्त तय होता है। जब तक आप इन्हें नहीं बेचते कोई टैक्स नहीं चुकाना होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें कितने लंबे वक्त के लिए रखे रहते हैं। निवेश पर रिटर्न ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने दोनों विकल्पों में 2-2 लाख रुपए 3-3 साल के लिए निवेश किए हैं, तो रिटर्न की स्थिति यह हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें।